एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ 3.6 मिक्स ऑफ कॉमेडी एंड सोशल एनार्की। यहाँ पे एनार्की का मतलब होता है रूल्स या लॉस को कोई ओबे नहीं करता। सो इन द सेम दैट वी आर इंटरप्रेटिंग दिस अनदर एग्जांपल ऑफ कॉमेडी यूज बाय शकारा। सो यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि लाइक एक और सीन है जिसे हम इंटरप्रेट करेंगे, मतलब व्याख्या करेंगे। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है ऑफ कॉमेडी बाय सुधराका। सो इट ब्रिंग्स टू द फोर सोशल डिविजन्स दैट क्रिएट डिसहार्मनी एंड डिस्टॉर्टेड वैल्यू सिस्टम। सो यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे फोर का मतलब होता है आगे का जो सोशल डिविजन है जो क्रिएट करता है डिसहार्मनी। डिसहार्मनी का मतलब होता है बेसुरापन और डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है विकृत वैल्यू सिस्टम। द प्ले राइट मेंटेन्स अ सबटल डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रोफाउंड एंड ludicrous, अल्टरनेटिंग ईच विद ग्रेट मास्टरी। सो जो प्ले राइट है वो मेंटेन करता है एक सबटल डिस्टिंक्शन, मतलब एक चतुराई से डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन द प्रोफाउंड एंड ludicrous। यहाँ पे प्रोफाउंड का मतलब होता है वेरी ग्रेट एंड ludicrous का मतलब होता है वेरी सिली, जिसे ऑल्टरनेट किया है विद ग्रेट मास्टरी, मतलब बहुत अच्छे स्किल के साथ, ग्रेट स्किल्स के साथ इस चीज़ को ऑल्टरनेट किया है। सो इन वन केस द किंग्स ब्रदर इन लॉ शकारा प्लेज द फूल एंड लाइक मिसअंडरस्टैंड काम फॉर द फटी। ओके, सो यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे घटना होती है, यहाँ पे द संस्कृत वर्ड शांता एंड श्रांता रेस्पेक्टिवली। सो होता क्या है कि जो किंग का ब्रदर इन लॉ होता है, जो शकारा होता है, जो किंग का साला होता है, वो ऑलरेडी एक फूल इंसान होता है। सो वो जो होता है वो मिसअंडरस्टैंड कर जाता है, क्योंकि जो वसंत सेना जो होती है वो काम कहती है, मतलब शांत हो जाने को कहती है, इससे आगे नहीं बोलने को बोलती है, इवन काम नहीं होगा यहाँ पे, इसका मतलब इनफ अब मत बोलना ऐसा कहती है। बट यहाँ पे ये चीज़ ना, जो शकारा है इस चीज़ को शांता की जगह श्रांता सुन लेता है। श्रांता का मतलब होता है फटीक, मतलब एग्जॉस्टेड। सो या इस चीज़ की वजह से एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग सा हो जाता है। सो द प्रोसेस हैज़ वैक्सेस इलोक्वेंट। यहाँ पे इलोक्वेंट का मतलब होता है कि लाइक किसी अपनी ओपिनियन को लाइक एक्सप्रेस करना अबाउट द मेल, नॉट फटीक। एक मेल है जो फटीक नहीं है, मतलब एग्जॉस्टेड नहीं है, बट हैज़ मोर अरोस्ड, बल्कि वो अरोस्ड है, मतलब जमाया हुआ है, बाय द चेज ऑफ अ ब्यूटीफुल वुमेन, एक ब्यूटीफुल वुमेन का पीछा करते करते। सो द प्ले राइट यूजेस इट टू कंबाइन एब्सर्डिटी। यहाँ पे जो प्ले राइट है उसने कंबाइन किया है एब्सर्डिटी और सोशल क्रिटिसिज्म को ब्यूटीफुली। एब्सर्डिटी का मतलब हम कह सकते हैं कि लाइक कुछ लाइक मूर्खता। सो जो हाँ, जो प्ले राइट है उसने कंबाइन किया है मूर्खता और सोशल क्रिटिसिज्म को ब्यूटीफुल तरीके से, क्योंकि इस चीज़ को कंबाइन किया है उन्होंने। एंड कंसीडर द फॉलोइंग, यहाँ पे जो डायलॉग्स है वो प्रॉपरली लिखा हुआ है। सो यहाँ पे वसंत सेना कहती है, सर आई एम ओनली अ फेबल वुमेन। सर मैं एक फेबल वुमेन हूँ, मतलब एक मैं कमज़ोर वुमेन हूँ। सो यहाँ पे वीटा कहता है कि हैंस यू आर अलाइव, इसीलिए तुम जिंदा हो। एंड शकारा भी कहता है कि हैंस यू आर नॉट किल्ड, इसलिए तुम मरी नहीं हो अभी तक। सो वसंत सेना कहती है, अपने आप से कहती है मन ही मन कि इवन दिस कोर्टेसी स्ट्राइक्स टेरर, ये कोर्टेसी भी मुझे आतंक दिलाती है। आई विल प्रोसीड दस, मैं आगे बढ़ जाऊँगी। उसके बाद वो ज़ोर से बोलती है कि सर डू यू एक्सेप्ट टू टेक माई ऑर्नामेंट्स, क्या तुम मेरे ऑर्नामेंट्स एक्सेप्ट करोगे। सो वीटा कहता है कि हैवन फॉरबिड, रुकने को कहता है। एंड कहता है आगे कि ओ वसंत सेना, अ ग्रेट क्रीपर डिजर्व्स नो टू बी रोप्ड फॉर इट्स ब्लॉसम। सो यहाँ पे कहता है कि वसंत सेना जो गार्डन का क्रीपर है वो डिजर्व नहीं करता कि उसकी जो ब्लॉसम है उसको लूट लिया जाए। यहाँ पे रोप्ड का मतलब लूट लेना होता है। सो जो वसंत सेना का वो ये कहना चाहता है कि लाइक जो वसंत सेना का जो ऑर्नामेंट्स है वो उसके लिए ब्लॉसम की तरह है, एंड वो अगर अपने ऑर्नामेंट्स दे देगी तो उसका मतलब उससे उसका ब्लॉसम छीन जाएगा। सो वी हैव नथिंग टू डू विथ ऑर्नामेंट्स, सो हमारे पास ऐसा कुछ करने को है नहीं के साथ। सो वसंत सेना कहती है कि वेन देन वॉट इन डिड यू कैन इट बी नाउ, सो और क्या चाहिए तुम लोगों को। सो शकारा कहता है दैट आई, मैं एक हेवनली पर्सनेज, मैं एक हेवनली पर्सन हूँ, एक मैन हूँ, एक वासुदेवा हूँ, शुड बी लव, मुझे प्यार मिलना चाहिए। सो वसंत सेना कहती है बहुत गुस्से से कि लाइक इनफ, ये चीज़ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो जाता है। यहाँ पे वो इनफ कहती है, मतलब शांत होने को कहती है, एंड ये चीज़ उसको फटीक लगता है। सो इनफ, नो मोर ऑफ दिस, और मत बोलना, गेट अवे, यहाँ से चले जाओ। यू टॉक विकेडली, मतलब तुम बहुत दुष्टता से बात कर रहे हो। तो शकर अब अपने हाथ को क्लैप, मतलब ना ताली बजाते हुए हंसते हुए बोलता है कि फ्रेंड फ्रेंड जस्ट सी, यहाँ पे देखो कि दिस कोटेसन गर्ल इज एंडेड वेरी मच अटैच टू मी, हैंस शी सेज टू मी। सो यहाँ पे वो कहते हैं कि लाइक ये कोटेसन गर्ल जो है बहुत ज़्यादा मेरे से अटैच्ड है, एंड हैंस वो मेरे से बोल रही है कि लाइक आ जाओ, तुम बहुत ज़्यादा फटीक्ड हो, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, यू आर एग्जॉस्टेड, वाइल आई हैव नॉट गॉन टू अनदर विलेज, मैं किसी और विलेज में नहीं गया, नॉट टू अनदर सिटी, मैं किसी और विलेज में, मतलब किसी और सिटी में भी नहीं गया। लेडी आई स्वेयर बाई माई फ्रेंड्स हेयर, टच्ड बाई माई फीट, मतलब मैं कसम खाता हूँ अपने पैर को अपने फ्रेंड के सर पर रख के, आई एम फटीक, मैं एग्जॉस्टेड हूँ एंड वेरिड, यहाँ पे मैं
बोर भी हो चुका हूँ वेल चेजिंग यू हियर एंड देयर, तुम्हारा पीछा करते करते इधर उधर, तुम्हारा इधर उधर पीछा करते करते मैं थक चुका हूँ, मैं बोर हो चुका हूँ। सो यहाँ पे बीटा कहता है टू हिमसेल्फ, अपने आप से ही कहता है कि ओ द फूल अंडरस्टैंड शांता फटीग्ड व्हेन इट सेज, मतलब शी सेड शांता इनफ और काम डाउन। सो यहाँ पे बीटा अपने आप से ही बोलता है क्योंकि अलाउड, मतलब जोर से नहीं बोल सकता क्योंकि ऑब्वियसली वो उसका मास्टर है तो अपने मास्टर के सामने ऐसा नहीं बोल सकता, बट वो मन ही मन कहता है कि लाइक इस गधे को ना इतना भी समझ में नहीं आया कि उसने शांता नहीं कहा है, मतलब एग्जॉस्टेड नहीं कहा है, उसने कहा है शांता मतलब इनफ काम डाउन। सो यहाँ पे अब जोर से बोलता है कि लाइक ओ वसंतेरा यू हैव स्पोकन इन अ मैनर कॉन्ट्रेरी टू योर प्रोफेशन। सो यहाँ पे ये कहता है कि लाइक तुम वसंतेरा, तुम जिस तरीके से बोल रही हो, जिस मैनर में बोल रही हो, वो कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है कि लाइक वो विरोध है तुम्हारे प्रोफेशन के, लाइक तुम्हारा प्रोफेशन ऐसे बोलना मतलब तुम्हारे प्रोफेशन के लिए ऐसा बोलना एक विरोध की तरह है, तुम ऐसा नहीं बोल सकती। रिमेंबर दैट कोटेशन स्पॉटर इज डिपेंडेंट ऑन यंग मैन फॉर हेल्प। सो यहाँ पे ये कहता है कि तुम ये चीज़ याद करो कि लाइक एक कोटेशन का क्वार्टर जो होता है वो डिपेंडेंट होता है एक यंग आदमी पे और फॉर हेल्प, एंड ऑल्सो कंसिडर योर सेल्फ लाइक अ क्रीपर, अपने आप को एक क्रीपर की तरह देखो, अपने आप को कंसिडर करो एज अ क्रीपर ग्रोइंग बाय द वे साइड, कोई ऐसे ग्रो कर रहा है इन अ वे साइड। सो यू पोजेसेस अ बॉडी दैट कैन बी बॉट फॉर मनी, सो तुम्हारे पास एक ऐसी बॉडी है जिसे खरीदा जा सकता है, एंड हैव एंड हैंस इट इज़ लाइक एन आर्टिकल फॉर सेल, जैसे कि एक आर्टिकल जो सेल पे है, लाइक कोई भी खरीद सकता है उस चीज़ को। सो देयरफॉर ओ गुड मेडन सर्व इक्वली, सो यहाँ पे कहते हैं कि ओ गुड मेडन, लाइक तुम एक अच्छी मेडन की तरह सर्व करो वन मच कव कोवर्टेड बाई यू एंड वन डिसलाइक बाई यू। सो कहता है कि लाइक एक अच्छे मेडन की तरह तुम इक्वली सर्व करो, जिसे तुम पसंद करती हो उसको भी और जिसको तुम नहीं पसंद करती हो उसको भी। सो मोर ओवर एंड एरियोडेट, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि लाइक वैज्ञानिक, और एमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात, जो एक वैज्ञानिक प्रख्यात ब्राह्मणा, एंड ऑल्सो एन ईडियट, एक ईडियट जो लोअर कास्ट का है। सो लोएस्ट कास्ट का एक ईडियट और एक ब्राह्मणा जो है, दोनों के दोनों ही मतलब एक सेम वेल में नहाते हैं ना, मतलब बोथ बाथ इन द सेम वेल, मतलब एक ही कुएं में दोनों ही नहाते हैं। इवन अ क्रो बेंड्स ऑन द सेम क्रीपर इन ब्लूम दैट हैज़ बीन बेंट बाय अ पीकॉक सिटिंग अपॉन इट। सो एक क्रीपर है जहाँ पे एक क्रो बैठा हुआ है, सो उसमें थोड़ी देर पहले एक पिकॉक भी बैठा हुआ था सेम क्रीपर में, एंड बाय द सेम बोट, एक ही बोट से चंडालास मतलब जो सूद्रास है वो भी रिवर क्रॉस कर रहे हैं, जिससे कि ब्राह्मण्स और क्षत्रियास और वैश्यास क्रॉस किए थे। यू आर अ हार्लॉट, तुम एक हार्लॉट हो, एंड देयरफॉर लाइक अ वेल, जैसे कि एक कुएं की तरह जिसमें चंडालास भी नहा सकते हैं, जिसमें ब्राह्मण्स भी नहाते हैं, सो सेम वेल में ही। सो एंड लाइक अ वेल, लाइक अ क्रीपर, लाइक अ बोट, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है यहाँ पे, ना बोट डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ना क्रीपर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ना ही वेल डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, वैसे ही तुम भी डिस्क्रिमिनेट मत करो, सब इक्वली सबको बराबर दो। सो इन द पैसेज द यूज ऑफ लैंग्वेज एज वेल एज द एक्ट ऑफ गिविंग वीटा एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ पॉइंट अबाउट मनी एंड द मार्केट वेडेंस द स्कोप ऑफ मीनिंग। सो यहाँ पे होता क्या है कि अबव जो पैसेज आप देख रहे हो उसमें एक्चुअली जो लैंग्वेज यूज किया गया है बाय वीटा, जो एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक पॉइंट देता है लाइक मनी के बारे में एंड मार्केट के बारे में, जिसका जो इसका जो मीनिंग होता है, उसका जो स्कोप होता है मीनिंग का, वो मतलब चौड़ा कर देता है और भी ज़्यादा। सो यहाँ पे सुद्राका यूजेस अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडियोलॉजिकल मूव, यहाँ पे जो सुद्राका है वो एक इंटरेस्टिंग सा आइडियोलॉजिकल मूव यूज करता है, ब्रांचिंग आउट विद न्यूट्रल लाइक या मतलब कंसेप्ट यूज़ करता है ऑफ आर्टिकल फॉर सेल, जैसे कि एक आर्टिकल है सेल के में लाइक उसको ख़रीदा जा सकता है, और अ बोट नॉट डिस्टिंग्विशिंग एन अपर कास्ट ब्राह्मण फॉर फ्रॉम अ चंडाला। सो यहाँ पे एक मतलब जैसे कि एक बोट है जो कि डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा है एक अपर कास्ट ब्राह्मण का और एक चंडाला का, कि लाइक वो दोनों को ही लेके जा रहा है, बोट चूज़ नहीं करता कि तुम चंडाला हो तुम ब्राह्मण हो तो मैं तुमको लेके जाऊँगा या तुमको नहीं लेके जाऊँगा, ऐसा नहीं कर रहा है, वो सबको इक्वली देख रहा है एंड दोनों की हेल्प कर रहा है, वैसे ही दोनों को इक्वली सर्व भी कर रहा है। सो सेम मतलब यहाँ पे मतलब कोटेशन को भी बोल रहे हैं लाइक वसंत सेना को कि लाइक तुम भी सर्व करो इक्वली, तुम डिस्टिंग्विश मत करो कि तुम इसको पसंद नहीं करती इसको पसंद करती हो।
इवन इफ साइकोलॉजिकली पोस्ट, यहाँ पे साइकोलॉजिकल का मतलब होता है दार्शनिक, उत्पन्न तरीके से, लाइक पोस्ट का मतलब उत्पन्न, लाइट अप द सीन इनॉर्मसली, सो ये जो सीन है उसको लाइट अप करता है. इवन अ प्ले ऑफ दिस नेचर इट इज बट इनएविटेबल दैट देयर विल बी क्लास डिफरेंसेस. सो ये जो प्ले है एक मतलब इस नेचर को दिखा रहा है, लाइक इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य, अनिवार्यता की तरह, मतलब यहाँ पे अनिवार्य है दैट देयर विल बी क्लास डिफरेंसेस. यहाँ पे क्लास डिफरेंसेस है एंड गिवन द वसंत सेना इज अ कोटेसन, और ये भी चीज़ बता रहे हैं कि वसंत सेना जो है वो एक कोटेसन है. द वर्ल्ड ऑफ श्रृंगारा एंड लव विल ऑल्सो फीचर प्रीडोमिनेंटली. सो यहाँ पे जो लाइक जो वर्ल्ड है ऑफ श्रृंगारा और लव, वो चीज़ को भी फीचर किया है प्रीडोमिनेंटली. प्रीडोमिनेंटली का मतलब मुख्य रूप से, सॉरी मुक्त रूप से, मुक्त रूप से मतलब अच्छे से यहाँ पे फीचर किया गया है. सो द क्वेश्चन रियली इज व्हाट पर्पस दस श्रृंगारा एंड लव सर्व इन द प्ले. सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि लाइक क्या पर्पस था श्रृंगारा और लव को इस प्ले में सर्व करना. सो ये चीज़ हम लोग अगले सेक्शन में देखेंगे. सो ऐसा हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना कि लाइक यहाँ पे बोल रहे हैं कि बोट में जैसे चंडाला और ब्राह्मण मतलब क्षत्रिय वैश्य सब एक साथ जा रहे हैं, कोई कुछ मतलब नहीं बोल रहा है. एंड इवन इस सेम ही वेल में जो ब्राह्मण है और क्षत्रिय है वो भी नहा रहे हैं. सो यहाँ पे जो क्लास डिफरेंस है वो तो देखने को मिल ही रहा है कि लाइक तब तो था ही ऑब्वियसली, बट हाँ यहाँ पे जो वर्ड है इट ब्रिंग्स टू द फोर फ्रॉम द सोशल डिविजन दैट क्रिएट डिसहार्मनी एंड डिस्टॉर्टेड वैल्यू सिस्टम. आई गेस ये उस चीज़ को ही बोलने की कोशिश कर रहा है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेक श्योर लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब कर देना. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.